तो दोस्तों ट्यूसडे की शाम को भारत की एक दिग्गज कंपनी वर्लपूल इंडिया ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और जैसा उम्मीद थी दोस्तों कि रिजल्ट्स इसके एवरेज आएंगे बट इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। उम्मीद के हिसाब से इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कोविड का इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर में कोई ज्यादा खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें इसने अच्छी खासी ग्रोथ की है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा इसका जो है मार्जिन जो है कमी देखने को मिली है, अदरवाइज रिजल्ट इसके ऑसम है दोस्तों। और बात की जाए इसके स्टॉक प्राइस की तो जो लॉकडाउन से पहले स्टॉक का प्राइस इसका था वहां से काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल रहा है अभी। तो आज हम इसी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को हम देखेंगे और इसके ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए इसके फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें इस कंपनी के थोड़ा सा जो है हम हिस्ट्री के बारे में और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 1980s में वर्लपूल ने ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान बनाया और 1980s में ही ये इंडिया में भी आई और टीवीएस ग्रुप के साथ में एज ए ज्वाइंट वेंचर इसने बिजनेस स्टार्ट किया। और इसने अपना जो पहला प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया वॉशिंग मशीन कैटेगरी में जो कि पुडुचेरी में था। तो 1980s में इसका जो है पहला प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ और 1995 में इसने जो है कैल्विनेटर इंडिया लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। कैल्विनेटर इंडिया लिमिटेड जो है रेफ्रिजरेशन के बिजनेस में था, उसको इसने एक्वायर कर लिया और इसी तरीके से इसने रेफ्रिजरेशन के काम में भी एंट्री कर ली। और इसी साल इसने टीवीएस ग्रुप के साथ में जो ज्वाइंट वेंचर इसका था उसकी मेजोरिटी स्टेक ले ली दोस्तों। और 1996 में कैल्विनेटर और टीवीएस ग्रुप जो है ये मर्ज हो गए और इससे एक नई कंपनी का नाम बना वर्लपूल इंडिया लिमिटेड। फिर इसके बाद में एक्सपेंशन चालू होता है दोस्तों। इसने वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी के साथ में माइक्रोवेव ओवन की कैटेगरी में भी एंटर कर लिया, एयर कंडीशनर की कैटेगरी में भी एंटर कर लिया। और आज की डेट में हम जानते हैं कि मतलब इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कैटेगरी है हर कैटेगरी में इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। आइए इसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊं तो मैं खुद अपने इंसल्ट आपके सामने करवा रहा हूं क्योंकि जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कोई ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया का बच्चा बच्चा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानता है जो टीवी में एडवर्टीजमेंट देखता है। फिर भी मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बताऊं तो रेफ्रिजरेशन में ये कंपनी है, फ्रिज वगैरह ये बनाती है, लॉन्ड्री के प्रोडक्ट्स जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हो गया, किचन के प्रोडक्ट्स जैसे कि माइक्रोवेव ओवन वगैरह हो गया और एयर कंडीशनर्स वगैरह जैसे कि एसी हो गया, एयर कूलर हो गया, प्योरिफिकेशन में ये है वाटर प्योरिफिकेशन या फिर एयर प्योरीफायर। तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में ये प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों और जो मेजर कैटेगरीज है ये 5 कैटेगरी में ये बिजनेस करती है। और जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो ये एलईडी की कैटेगरी में भी आ रही है, अलग अलग अदर कैटेगरीज में भी ये आ रही है। तो एक तरीके से मान लीजिए इसका फ्यूचर जो है अगर एंटी चाइना सेंटीमेंट के साथ में हम कुछ कंपनीज को अगर जोड़ के देखें तो ये भी एक कंपनी उसका बेनिफिशियरी हो सकती है। इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो अदर कंपनीज से इसको थोड़ा सा अलग बनाती हैं दोस्तों। अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम है, उसने मेल किया इसके कस्टमर केयर पर, तो 2 घंटे के अंदर में इसका कॉल सेंटर स्टाफ जो है उसको कॉल बैक करता है, यानी कि एश्योरिटी रहती है इस चीज़ की। और अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम रहती है, कोई रिपेयरिंग वगैरह करवाना रहता है, तो 24 घंटे के अंदर में इनके सर्विस इंजीनियर जो है साइट पे विजिट करके रिपेयर वगैरह काम वगैरह डन कर देंगे, ये एश्योरिटी देते हैं इस चीज़ की। और अगर इसके सर्विस सेंटर्स की बात करें तो 3500+ सर्विस सेंटर्स इसके ऑल ओवर द इंडिया है। आप समझ सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है कितना ऑसम है, कितना बिंदास है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ऑल ओवर द इंडिया हर कोने कोने पर ये कंपनी जो है अपनी सर्विसेज देती है, इसके सर्विस सेंटर्स हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि वो कैसे आए हुए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है दोस्तों। पिछले साल मार्च के क्वार्टर में कोई लॉकडाउन नहीं था और इस साल मार्च के क्वार्टर में पार्शियली लॉकडाउन था, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका बिजनेस 1353 करोड़ का रेवेन्यू इसने लास्ट ईयर में किया था जो अभी बढ़ के 1779 करोड़ हुआ, यानी कि 31% का इसमें जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले मार्च क्वार्टर में इसने 136 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, 189 इसका बढ़ा अभी 38% का ग्रोथ। इंटरेस्ट इसने कम किया, 7 करोड़ से 23 लाख सिर्फ इसका रह गया, 97% का इसमें इसने कमी करी। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 92 से 130 करोड़ यानी कि 40% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से 10.66%, थोड़ा सा एक तरीके से फ्लैट ही कह सकते हैं, 0.54% की बढ़ोतरी इसमें है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में दोस्तों कोई कमी नहीं आई हुई है लॉकडाउन के बावजूद भी। देखो
पिछले साल 5,992 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इस साल 5,899 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी कितना, थोड़ा सा 1.55% ही गिरावट हुई है, फ्लैट है। इतना तो नॉर्मल ईयर्स में भी होता है, ये तो इतना बड़ा सिचुएशन था दोस्तों, कोविड का सिचुएशन था ये। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बात करें इसकी, 673 से 518 करोड़, यानी कि 22% की इसमें गिरावट हुई है। इंटरेस्ट की बात करें, 19 करोड़ से 15 करोड़ इसने किया हुआ, यानी इंटरेस्ट इसने साल दर साल में भी कमी करी है। नेट प्रॉफिट इसका जो है 490 से 351 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इसका गिरा हुआ है, खर्चे वगैरह भी रहते हैं दोस्तों, 28% का इसमें गिरावट है। रेवेन्यू अगर देखा जाए, मेन हम रेवेन्यू से आंकेंगे इसको, है ना, रेवेन्यू से अगर कम हुआ है, अगर इसका देखो रेवेन्यू इसका 5,900 करोड़ के आसपास है, ठीक है, और इसके बाद में इसका 5,900 हुआ है, तो 100 करोड़ का इसमें डिफरेंस हुआ है ना, वही इसका प्रॉफिट भी कम हुआ है, 100 करोड़ से कम ही प्रॉफिट कम हुआ है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11.24% से 8.80%, यानी कि मार्जिन इसके थोड़ा सा घटे हुए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर इसके प्रमोटर ही हैं, 75% का प्रमोटर का स्टेक है इसमें, और प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का इसमें 8.30% का स्टेक है, FIIs का इसमें 3.38% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वर्लपूल मॉरिशस लिमिटेड, उसका जो स्टेक है इस कंपनी में 75% स्टेक है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आदित्य बिरला सनलाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड का जो है इसमें म्यूचुअल फंड का 1.5% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 8.5% का स्टेक है HNIs वगैरह का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10.61% का स्टेक इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का है। अब पास्ट रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों इसके, तो आज के दिन में ये थोड़ा सा गिरा हुआ है, 1 वीक में 7% के रिटर्न दिए, 1 मंथ में 9% के रिटर्न दिए, 3 मंथ में भी नीचे डाउन है थोड़ा सा, 6 मंथ में 5.64% के रिटर्न है, ईयर टिल डेट में भी गिरा हुआ है ये। 1 ईयर में 12% के रिटर्न, 2 ईयर में 48%, 3 ईयर में 48%, 4 ईयर में 103%, 5 ईयर में 196%, 10 ईयर्स में 801%, यानी कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। अब दोस्तों जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, 2303 रुपए इसका जो है अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें, 29,226 करोड़ का मार्केट कैप है, 27,942 करोड़ का जो है इसका एंटरप्राइज वैल्यू है, यानी कि जीरो डेट कंपनी है दोस्तों, कैश काफी अच्छा है कंपनी के पास में। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 12.69 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा इसका ज्यादा है 83 का। प्राइस टू बुक इसका 10 का है। फेस वैल्यू 10 का है। बुक वैल्यू इसका 225 है। कैश इसके पास में 1,284 करोड़ है। डिविडेंड ज्यादा कंपनी देती नहीं है। डेट कंपनी के पास में 0 है। प्रमोटर होल्डिंग इसके 75% है। ईपीएस इसका 27 है। आरओसी 28 है। आरओई 20 है। सेल्स ग्रोथ इसका 11% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 17% है। फिनस्टार इसके 3 मिले हुए हैं। और अभी का डेटा हम देख लेते हैं, ये पिछले क्वार्टर का डेटा है, अभी के डेटा में क्या चेंज हुआ है वो भी समझ आ जाएगा इससे। प्राइस टू अर्निंग 95, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा। प्राइस टू बुक इसका बड़ा हुआ है, ये भी 11.25। ईवी टू ईबिट 86 है। ईवी टू ईबिटा 59 है। ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड 39 है। ईवी टू सेल्स 5.10 है। पैग रेशियो 0 है। डिविडेंड यील्ड जो है फ्लैट ही है। आरओसी 45 है। आरओई जो है 12 है। यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका अच्छा खासा बड़ा हुआ है दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं अभी कंपनी के पास में काम नहीं था, तो कम कैपिटल इन्होंने इम्प्लॉय करी, तो जिसकी वजह से जो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड तो अच्छा आया, बट रिटर्न ऑन इक्विटी में थोड़ा सा कमी आई हुई है। कैश इसके पास में बचा हुआ था, बट उसका यूज नहीं कर पाई कंपनी है, इससे हम ये मान सकते हैं ना। अब दोस्तों हमारे पास इसके पिछले 3 साल का डेटा है, तो 3 साल के डेटा से ही हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि अभी आगे ये कैसा कर सकती है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि लगातार 3 साल में इसका रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, 4,853, 5,900, अभी के टाइम में 5,800, यानी कि फ्लैट है, उसे कह सकते हैं हम कोविड का इम्पैक्ट। ओके, और बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा हुआ है, 350, 409, 490, अभी 350 के लेवल पर ही है, यानी कि वो भी एक कोविड का इम्पैक्ट। और इसके पीयर्स के साथ में कंपेयर करें इसका, तो पी जो है ज़्यादा ही है कंपनी का, क्योंकि प्रीमियम कंपनी है दोस्तों, ब्रांड इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट कैप जो है इसका अभी उतना भी नहीं है, 29,226, एक लार्ज कैप कंपनी ज़रूर है, बट अभी इसके अंदर में ये पोटेंशियल है कि ये 1,00,000 करोड़ के मार्केट कैप तक भी जा सकती है, इवन उससे ज़्यादा भी, काफ़ी मतलब इसके प्रोडक्ट के अंदर में दम है, वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्रोडक्ट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए, ये कंपनी को इंडिया में तो कम टाइम हुआ, ओवरऑल 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये कंपनी को, और मान सकते हैं इस चीज़ से फिर कितना पुराना ब्रांड है और कितना जाना माना ब्रांड है। और आगे भी इस तरीके से ब्रांड की क्या वैल्यू होती है, पुराना जितना है उतना ज़्यादा वैल्यू रहती है, जितना पुराना हो गया, मतलब सोना क्या है ना, जितना पुराना कहते हैं खरा होते जाता है, जितना पुराना सोना रहे, तो वो वाली चीज़ है, सोना बन चुकी है ये कंपनी, अभी आने वाले टाइम में मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों इसका, तो इस वजह से इसको वैल्यूएशन भी मिला हुआ है।
वैल्यूएशन का क्या है दोस्तों, अगर एक साल में इसने डबल सेल कर दी जितना ये कंटिन्यूअस करती आ रही है, इसके वैल्यूएशन आधे हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती वैल्यूएशन में। सेल अगर अचानक से बढ़ जाए किसी कंपनी की, आपको अगर कोई दुकान ही चलाते होंगे तो ये जरूरी थोड़ी है जितना आपने इस साल धंधा किया उतना ही अगले साल भी धंधा करोगे, उससे डबल भी कर सकते हो, अगले साल ट्रिपल भी कर सकते हो, दिन दिन में फिगर चेंज हो जाते हैं। आज की डेट में आपके दुकान पर 50 रुपये 100 रुपये की मान लो सेल हुई, कल की डेट में 4000 की सेल भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। कोई जैसे बेकरी शॉप है तो बेकरी शॉप में क्रिसमस वगैरह और न्यू ईयर को ज़्यादा चलती है, और उसके जो ऑड डेज हैं उन डेज में उसकी अगर सेल 500-1000 की अगर प्रॉफिट रहेगा तो जो क्रिसमस वाला टाइम है उस टाइम पर 10,000, 15,000, 20,000 तक का भी इवन प्रॉफिट आ जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, इस वजह से ये फिगर चेंज होते रहता है। ये पी तो मतलब एक है, एक हम देख सकते हैं कितनी महंगी ये कंपनी है, बट ये जस्टिफाई नहीं करती कि कंपनी कितनी एक्चुअल में कितनी महंगी है। उसके ब्रांड वैल्यू को हम अगर जोड़ें, उसके जो पुराने रिकॉर्ड को हम जोड़ें, उसके आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ को अगर हम जोड़ें, तो ये ग्रोथ वगैरह और ब्रांड इक्विटी वगैरह जो ये होती है ना, ये कैलकुलेटेड फिगर में नहीं आ सकती है, इनका कोई मोल नहीं है, अनमोल चीज़ें हैं ये। और इसमें तो हमें करंट रेशियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी डेट टू इक्विटी जो है 0 है, तो इसमें करंट रेशियो देख के भी कोई मतलब नहीं है, अगर देखें भी तो 3 गुने से ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे देखें दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है कंपनी, एफडी से अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड अच्छा देती नहीं है, एंट्री पॉइंट जो है अभी ठीक नहीं है बता रहे, रेड फ्लैग वगैरह जो है कुछ भी नहीं है, तो एक तरीके से मिले जुले हैं। और अगर देखा जाए इस पे एनालिस्ट का क्या राय है, तो 36% एनालिस्ट जो है ये बोलते हैं कि इसको बाय करो, बाकी जो बोलते हैं वो बोलते हैं अभी बाय मत करो, महंगा है। और ब्रोकरेज जो हाउस हैं वो क्या मानते हैं कि जो वर्लपूल का जो Q4 का रिजल्ट है उसके बाद में 40% की जो अपसाइड है अभी बची हुई है, अभी 40% अपसाइड तक ये जा सकता है, और ये एक्चुअल बात है, मैं अभी चार्ट्स के साथ में आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा वो चीज़। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में करना क्या है दोस्तों, बाइंग करनी है। अगर आपके पास में पड़े हुए हैं पहले से तो आप और ऐड कर सकते हो, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लेवल है एंट्री करने के लिए। मैं जो फिगर्स हैं, जो डेटा मैंने अभी तक देखा उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से क्या है कि मार्च के टाइम में ये जो है 2500 के लेवल पर ये स्टॉक था, ठीक है, जो लास्ट ईयर का मार्च था लॉकडाउन से पहले उस टाइम पर ये 2500 के लेवल पर था, तो अभी वहाँ से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ये मिल रहा है, और उसके बाद में कंपनी ने कंटिन्यूस प्रॉफिट करके दिया है, लॉस में नहीं गई है कंपनी, तो उस हिसाब से हम देखें तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है भी काफ़ी नीचे है। और रेवेन्यू की बात करें तो उस साल के बराबर ही, पिछले साल लॉकडाउन के बराबर ही इसका रेवेन्यू आया हुआ है, अगर बराबर भी रेवेन्यू आया हुआ है तो इसके स्टॉक प्राइस को तो कहीं ना कहीं ऊपर होना चाहिए था ना इसके पिछले प्राइस से, उससे नीचे तो नहीं होना चाहिए था। और अगर रेवेन्यू कम आया हुआ है तो 2% कम आया हुआ है पिछले साल के मुकाबले खाली, और अगर वैसे अगर एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन अगर लगाया जाए इस पे तो वैसे 2% फिर नीचे होना चाहिए था इसको, अगर रेवेन्यू के हिसाब से भी स्टॉक प्राइस चलता है तो इतना ही कम इसको होना चाहिए था। अगर उस हिसाब से भी हम देखें तो काफ़ी डिस्काउंटेड पे मिल रहा है अभी भी, 2500 के लेवल से तुम्हें 2200 के लेवल 2200-2300 के लेवल पे मिल रहा है, तो अभी कम से कम इसमें 2200 के लेवल से भी अगर माने तो 10% का अपसाइड तो है ही कम से कम। और ब्रोकरेज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% का अपसाइड, वो एकदम सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका है वैल्यू ऐसा है, इसका जो स्टॉक का प्राइस है इसको ऊपर ही होना चाहिए था, बल्कि जो रेवेन्यू अगर कंटिन्यूस अगर देखा जाए बेसिस पे तो इसका रेवेन्यू जो है उतना कम नहीं हुआ है, प्रॉफिट में कोई इसके कमी नहीं आई है, प्रॉफिट इसका जो है बढ़ता ही जा रहा है, और अगर बराबर भी रहता है तो कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके शेयर प्राइस को भी बढ़ना चाहिए क्योंकि डिविडेंड उतना अच्छा देती नहीं है कंपनी, देखो आप 5 का डिविडेंड दिया तो 5 पॉइंट नीचे होना चाहिए था खाली, और प्राइस कितना नीचे आप देख लो खुद, तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी वैल्यू पीक है, मेरी आपसे यही राय है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो है अगर मैं बोलूँ तो इसको बाय करने लायक स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और अगर आपको डर लगता है कि सारा पैसा एक साथ ना इन्वेस्ट करें तो धीरे धीरे आप कर सकते हो, आपको जैसे लेना है इसके स्टॉक 10 तो आप 2 स्टॉक यहाँ पे आज के लेवल पे ले सकते हो, फिर 4-5 स्टॉक यहाँ नीचे आ जाता है तो यहाँ ले सकते हो, अगर नहीं आता है नीचे तो फिर आपकी किस्मत है यार, फिर आगे आप लेते रहो। वैसे नीचे जहाँ तक है मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से ये नीचे आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनली इस कंपनी के अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से ये नीचे आए ऐसा मेरे को लगता नहीं है, और टेक्निकली भी चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, आप देखो लास्ट के कैंडल्स जो है वॉल्यूम्स की कितनी मस्त बन रही हैं, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, कल की कैंडल तो काफ़ी बड़ी बनी हुई है,
वॉल्यूम का जो एक्शन है वो काफी तगड़ा आ रहा है इसमें। टेक्निकली भी चार्ट आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग चार्ट ये बन रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।